मोवे को बीन लाओ, बीन के ऐसे ऐसा कूट काट के और जो कलेड़ी है कलेड़ी में सेक दो और खा लो थोड़ा थोड़ा, तो इंसान की भूख मिट जाती है। पर हर त्यौहार है या कुछ भी होता है तो महुआ की जो शराब हाथ भट्टी बनती है वो हर घर में बनती है, हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में बनती है, तो उनके लिए तो सर मतलब घर पे ही बना के पीते हैं तो ये थोड़ी ज़्यादा महंगी लगती है। 800 में तो वो दो चार बार बना के पी सकते हैं, इतना मतलब निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। महुआ आदिवासी जीवन से बहुत करीब से जुड़ी हुई है, चाहे उनकी धार्मिक आस्थाएं हों या फिर सामाजिक परंपराएं हों, महुआ का रस यानी कि महुआ से बनी शराब का इस्तेमाल ज़रूर होता है। ये कहा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महुआ आदिवासी के साथ साथ चलती है। इसके अलावा आदिवासियों के आर्थिक जीवन में भी महुआ का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आज महुआ की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि महुआ से जुड़े हुए जो वादे सरकार ने किए थे वो कितने पूरे हुए। झाबुआ से अलीराजपुर के रास्ते में महुआ का जंगल है। यहाँ पूरी फिजा में महुआ की हल्की हल्की मीठी सी खुशबू फैली हुई है। मार्च का महीना ख़त्म होने वाला था और होली का त्यौहार करीब था। जंगल में महुआ के पेड़ों से फूल झड़ना शुरू हो चुका था। झाबुआ, अलीराजपुर और आसपास के ज़िलों में भील, भिलाला और बारेला आदिवासी रहते हैं। यहाँ के आदिवासी गांवों में महुआ की उत्पत्ति और उपयोग से जुड़ी कई लोक कथाएं मिल जाती हैं। मसलन एक लोक कथा मिलती है जिसमें बताया जाता है कि एक बार लकड़ी की कलाकृति बनाने में माहिर व्यक्ति ने भगवान के दो दूतों को कैद कर लिया था। ये दूत दरअसल उसके प्राण लेने के लिए आए थे। अपने उन दो लोगों को ढूंढने के लिए भगवान ने महुआ का वृक्ष लगाया और उसके फूलों से शराब बनाई। भगवान था भगवान, तो अपन तो वहाँ देख नहीं रहे थे, पर वो अभी परम प्रसाद चल रही है, तो भगवान ने क्या किया कि ऐसा करके ने मोवे झाड़ पेड़ बनाया, पेड़ बना के फिर मोवे चालू हुए। चालू हुए तो भगवान ने अपने भगवान ने क्या किया कि भगवान ने ऐसा किया कि इन गांव वाले को लोगों को जैसा ये आदमी अब थोड़ा गांव में थोड़ा अच्छा है तो तुम आ गए हैं, हम अपन सब मिल रहे हैं, तो जाओ के इन गांव वाले को मोवे दे दो और मोवे दे दो और ये मटकोमल करके और अपने को मान उतारनी है, मान उतारनी है और अपना आदमी जोड़ना है, ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे अपन, कैसे ढूंढेंगे। तो मान उतारी, ढोल वोल आए, अभी होली पे ढोल वोल आए और दारू वारू पिया, मान उतारी तो अब सब छक गए। वो हुतार था वो भी मरे हरियाणी, वो भी अच्छा हो गया ना हुतार ने, पर वो नाचने मंडे, वो नाचने मंडे, अरे के मेरा नाम नहर के, मैं मेरा नाम नहर के, मैं मेरा नाम नहर के, मैंने अच्छे अच्छे जुम्मू को जड़ दिया, तुम कहाँ लगते हो के,
तो लोग बाग के कैसे जर दिया, कैसे जर दिया। हाँ। अंदर जाए ओना ही क्या देखो तो दारू बता देता है। हाँ। दारू सब चीज बता देता है, ये मोहे के दारू ने बताया। जंगल में जब महुआ झड़ना शुरू होता है तो परिवार के लोग सुबह सुबह जंगल पहुंच जाते हैं। दोपहर तक पूरा परिवार मिलकर महुआ बीनता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के बाकी आदिवासी इलाकों में भी परंपरागत तरीके से घर पर महुआ से शराब बनाई जाती है। एक जमाने में जब आदिवासी इलाकों में आदिम विधि से खेती होती थी तो अक्सर अकाल की स्थिति बन जाती थी। ऐसी स्थिति में महुआ फूल आदिवासी परिवारों के प्राण बचाता था। अनाज नहीं पका कोई साल में, अभी तो पक रहा है, पहला नहीं पकते थे। तो मोवे को बीन लाओ, बीन के ऐसे ऐसा कूट काट के और जो कलेड़ी है कलेड़ी में सेक दो और खा लो थोड़ा थोड़ा, तो इंसान की भूख मर जाती है। महुआ के वृक्ष को अगर नुकसान ना पहुंचाया जाए तो कम से कम 200 साल तक जीता है। महुआ का पेड़ जंगल की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। यह माना जाता है कि हर वर्ष एक महुआ का पेड़ 60 से 70 किलो सूखा फूल देता है। महुआ का सूखा फूल घर में इस्तेमाल करने के अलावा साप्ताहिक हाटों में बेचा भी जाता है। वन उत्पाद से आदिवासियों को जो आय होती है उसमें लगभग 60% महुआ से ही बताई जाती है। सुबह अपन जो है 5 बजे अपने को घर से निकलना पड़ता है। जंगल में देखो कि अपने जो रहना पड़ता है, कम से कम कोई महुआ ज़्यादा गर्मी में लगता है वो 12 बजे गिर जाता है, और नहीं तो अपने को 2 बज जाए 1 बज जाए। जब ये अपने पास पैसे नहीं है तो मोवे ले जाके बेच के पैसे ले आते हैं, मिर्ची मसाला ले आते हैं, अनाज ले आते हैं। आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन में महुआ के महत्व को समझते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक शानदार घोषणा की थी। उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक फैसला लिया था कि महुआ की शराब अवैध नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि बाकायदा महुआ की शराब का उत्पादन सरकार करवाएगी। इसके लिए उन्होंने एक फैक्ट्री भी लगा दी थी। आइए आपको उस फैक्ट्री को दिखाते हैं कि उस फैक्ट्री में कैसे शराब का उत्पादन होता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ कट्ठीवाड़ा चलना पड़ेगा। आइए। भारत के कम से कम 13 राज्यों में महुआ से बनी शराब पी जाती है। इस लिहाज से महुआ को नेशनल ड्रिंक कहा जा सकता है, लेकिन ब्रिटिश शासन में महुआ से बनने वाली शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया था। आजादी के बाद भी महुआ पर प्रतिबंध हटाया नहीं गया, लेकिन कानूनी पाबंदी के बावजूद आदिवासी भारत में महुआ बनाई जाती रही, क्योंकि यह आदिवासी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया कि महुआ को हेरिटेज शराब की श्रेणी में उत्पादन की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद डिंडोरी और कट्ठीवाड़ा में महुआ उत्पादन के लिए 2 फैक्ट्रियां लगाई गईं। कट्ठीवाड़ा में महुआ की फैक्ट्री को अंकिता भाबर चलाती हैं। अंकिता भाबर ने महुआ से शराब बनाने और उसको चक्कर उसके स्वाद की पहचान करने की बाकायदा ट्रेनिंग ली है।
तो हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी वसंत दादा सुगर इंस्टीट्यूट पुणे में, 18 दिन की ट्रेनिंग ली। और फिर कुछ मशीनरी का तो सर यहीं पर आए थे सत्यम सर, जो मशीन सेटअप करके गए हुए आए थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग दी थी कुछ 2-3 बैच निकाल के उन्होंने सिखाया था कि ऐसे ऐसे मशीन चलाना है। कट्ठीवाड़ा की महुआ फैक्ट्री में बनने वाली शराब को मौद नाम दिया गया है, जिसका मतलब मद या मदिरा होता है। यह स्थानीय आदिवासी भाषा का शब्द है। मौद यानी महुआ शराब की बोतल पर जो लोगो है, वह भी आदिवासी संस्कृति से मिलने वाले प्रतीकों या चिन्हों में से ही एक है। इसका लोगो भील भिलाला या राठवा आदिवासी समूहों के देव पिथौरा के घोड़े से प्रेरित है। इस बोतल पर महुआ शराब और आदिवासी संस्कृति में उसके महत्व की कहानी भी छापी गई है। फिलहाल इस फैक्ट्री में 1000 से 1200 लीटर शराब हर महीने बन सकती है। एक दिन की 75-73 बोतल का रहता है और एक माह में हम 12-13 बेच निकालते हैं और उसका 1000 से 800-900 लीटर समथिंग निकलता है एक माह में। महुआ फैक्ट्री लगाने का मकसद सिर्फ आदिवासी संस्कृति और महुआ के संबंध या महत्व को दुनिया को बताना भर नहीं है, बल्कि इसका मकसद यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देना भी है। यह मकसद दो तरह से पूरा होता है, एक इस फैक्ट्री में लोगों को काम मिलना और दूसरा यहाँ के आदिवासियों के महुआ की खरीद। अंकिता भाबर बताती हैं कि उनके साथ कम से कम 10 से 12 लोग काम करते हैं। इसके अलावा महुआ के सीजन में वे स्थानीय लोगों से महुआ भी खरीदती हैं। उनके अनुसार हर साल उन्हें कम से कम 9 से 10 टन महुआ की ज़रूरत होती है। सर हम लोग नोकल में जो महुआ की सीज़न में चलता है महुआ, उस टाइम पे हम लोग खरीदते हैं, उसको अच्छे से सुखा के स्टोर करके रखते हैं, तो वो लंबे समय तक अच्छे से सुखा के अगर उसको स्टोर किया है तो लंबे समय तक 1 साल तक भी चलता है, 1 साल से ऊपर 2 साल तक भी चलता है, और अगर थोड़ा नमी वगैरह रही तो वो ख़राब होता है। महुआ फैक्ट्री के बारे में अभी तक हमने जो भी बातें आपको बताई हैं वे संभावनाओं की बातें हैं, लेकिन तस्वीर उतनी हसीन नहीं है। यह फैक्ट्री कई महीने से बंद पड़ी है। इस फैक्ट्री में जो शराब बनी है वह भी अभी तक बिकी नहीं है। सर अभी तक तो जितना हम लोगों ने बनाया है इतना रनिंग हुआ नहीं है, हर माह का पूरा सप्लाई नहीं हुआ है, कुछ तो स्टॉक में रहता है हमारे पास, इतनी मार्केटिंग हुई नहीं है सर इसके अभी। इस फैक्ट्री लगाने में मध्य प्रदेश सरकार ने 54 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा अंकिता भाबर ने 10 लाख रुपए का लोन भी लिया था। महुआ की खरीद और फैक्ट्री के रखरखाव पर हर महीने कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा बड़ी चुनौती यह भी है कि इस फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हैं उनकी मरम्मत के लिए लोग आसानी से नहीं मिलते हैं। कट्ठीवाड़ा छोटा है तो यहाँ पर हर कोई नहीं मिलता है, सिर्फ बोरिंग के मोटर वगैरह यही ठीक कर पाते हैं, वरना बाकी है बॉयलर का है और सोलर सिस्टम का है, आरओ का है, ये बाहर से आते हैं। अब बॉयलर का हम लोगों ने अलीराजपुर से बुलवाया था और सोलर का भोपाल से। महुआ की इस शराब फैक्ट्री को दो चीजों की सख्त जरूरत है। पहली ज़रूरत है कि जब तक इस फैक्ट्री को चलाने वाले को पर्याप्त अनुभव नहीं हो जाता है तब तक उन्हें लगातार वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जानी ज़रूरी है, और दूसरी ज़रूरत है इस महुआ शराब के बारे में दुनिया को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ब्रांडिंग नहीं होगी तब तक महुआ की शराब का बाज़ार कैसे बनेगा। महुआ की शराब की एक बोतल की कीमत 800 रुपये है,
जो यहाँ के आदिवासी तो खर्च नहीं कर सकते। वैसे भी आदिवासी इलाकों में तो घर घर में महुआ की शराब बनाई ही जाती है।